वोट आज डाले जा रहे हैं, क्या कहें? बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है। शुरू में तो थोड़ी स्लगिश थी, कमजोर पोलिंग थी, लेकिन अब धीरे धीरे पिकअप कर रही है। आज गर्मी भी कम है, लू नहीं चल रही है, तो हमें आशा है कि 50% क्रॉस करेगा। हम मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, अपने वर्कर्स को, कि घर घर जाएं, लोगों से निकलने का निवेदन करें। तो देखिए अच्छी पोलिंग हो रही है। अच्छा, कई बूथों पे वोटर जो वोटर हैं उनका नाम कट गया है। वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं, घर की संख्याएं बदल गई हैं और चार नाम है, चार कट गए हैं, डिलीटेड बहुत हो गए हैं। अब बीएलओज ने अपना काम ठीक से शहर में तो नहीं किया, अब मैं रूरल नहीं जानती, बीएलओज ने पर्ची बांटी ही नहीं। इसको मैं सीरियसली लूंगी और इलेक्शन कमीशन को मैं शिकायत करूंगी। अच्छा, पीएम मोदी के नाम पे वोट डाले जा रहे हैं, आपके पिता की ये कर्म भूमि है, तो क्या उसका भी फायदा आपको मिला? सब पूरा देखिए, इट्स अ पैकेज। मेनली मुख्य रूप से तो कौन प्रधानमंत्री होगा, इस पे मोदी जी हैं, घर घर की आवाज, जन जन की आवाज। और फिर जो हम प्रत्याशी हैं, तो बहुना जी की पूरी विरासत, मेरी माँ का काम, मेरा अपना पृष्ठभूमि, सब मिल मिला के अच्छा पैकेज है। ये रीता भगोड़ा जोशी जी थी, उनका कहना था कि बीएलओ की काफी गड़बड़ी है, उसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करेंगे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।